हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ ये शादी का सीज़न और हॉलीडे सीज़न एंजॉय करने के लिए। अब ये जो दिसंबर का महीना है ये बहुत ही फैंटास्टिक मंथ होता है ना। हर दूसरे दिन कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता है, किसी की शादी हो रही है, किसी की एनिवर्सरी है, और कुछ नहीं तो हम वैकेशन पे जाते हैं। तो इस सीज़न को आप अच्छे से इन्जॉय कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज, आपको अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, इसे अच्छे से ध्यान देना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? आपके ज्वार, बाजरा, नाचनी, मकई, आपके जो दूसरे मिलेट्स है जैसे सामा है, राजकीरा है, फॉक्सटेल मिलेट है, इसको जितना ज़्यादा आप इंक्लूड कर सकते हैं वो इंक्लूड कीजिए। एंड हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, राइट फ्रॉम दाल्स, पल्सेस, स्प्राउट्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, पनीर है, नट्स है, सीड्स है, इन सबको इंक्लूड कीजिए, बिकॉज इससे आपको सटाइटी रहेगी यानी जल्दी भूख नहीं लगेगी। इसमें फाइबर है, प्रोटीन्स है, एंड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो धीरे धीरे आपके शुगर्स को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज, जब भी आप कुछ हैवी खाएं तो कॉम्पेंसिएट कीजिए, कहीं जाने से पहले कुछ खा के जाइए, एकदम भूखे नहीं जाना है, अदरवाइज आप वहाँ जाके ओवर ईट कर सकते हैं। शादी में बूफे टेबल के वहाँ नहीं खड़े रह के खाना है, अदरवाइज खाना देख के यू मे टेंड टू ओवर ईट, ओवर साइज पोर्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, जब भी आप खाना लें अपने लिए, हो सके तो छोटी प्लेट्स में लीजिए, बिकॉज स्टडी ये बताती है कि जब आप छोटे प्लेट में खाते हो आप कम पोर्शन साइज लेते हो और आपका माइंड ये परसीव करता है कि आपका पेट भर गया है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसे आजमा के देखिएगा। सो टेक स्मॉलर प्लेट्स एंड आप उसे रीफिल कर सकते हैं। सो छोटी छोटी प्लेट में छोटा छोटा पोर्शन साइज भले ही आप सब खा सकते हैं, इसमें आपका पोर्शन कंट्रोल रहेगा, मॉडरेशन में खाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वाटर, यस हाइड्रेशन, पानी अच्छे से पीजिए, पूरे दिन अच्छे से पानी पीजिए, स्पेशली एवरी आवर ड्रिंक वन ग्लास ऑफ वाटर, एंड स्पेशली इफ़ यू आर टेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस उसके साथ हर एक आपके ग्लास के साथ एक ग्लास पानी पीना ज़रूरी है, दैट विल हेल्प यू डिटॉक्सिफाई। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टिप्स अच्छे लगे हैं, एंड उससे भी ज़्यादा प्लीज़ ट्राई देम एंड कमेंट एंड लेट मी नो कि आप को इस ये टिप से कैसे बेनिफिट मिला है। थैंक यू सो मच।